वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें। दूर से, वहीं से दूर से दूर। मुझे रिसेंटली कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला कोविड वायरस के बारे में अवेयरनेस वीडियो बनानी है, तो मैंने इंटरनेट पे जब रिसर्च करा तो मुझे कुछ मिथ मिली जो बहुत फनी थी बट इंटरेस्टिंग भी थी, तो ज़रा सुनिएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमें कोविड हो भी जाता है तो इंडिया में 90% रिकवरी रेट है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, तो अगर मुझे कोविड हो भी जाता है तो 90% चांसेस है कि मैं रिकवर कर जाऊँगा। अग्री विद दिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अरे कोविड अगर होता क्या है, कभी देखा है किसी ने कोविड को? अरे ये तो ऐसी है, फ्लू है, आता जाता रहेगा, ऐसे इग्नोर करो। कुछ लोगों का ये भी मानना है जिससे मैं अग्री करता हूँ क्योंकि मैंने भी कोविड को देखा नहीं है अभी तक, आपने देखा हो तो बताइएगा ज़रूर। तीसरा मिथ ये है, लोग ये कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है कि अब हमें कोविड का कुछ भी हमारा इफेक्ट नहीं कर सकता हमारे इम्यून सिस्टम को। अग्री यार, मैं भी पिछले 8 महीने से घर पर बैठा हूँ, ये खाया है बहुत अच्छे से। बट यार ये सारे मिथ बस्ट होती है। रीज़न, इंडिया में जो 90% रिकवरी रेट है वो तो अच्छा है, बट जितने लोगों को कोविड होता है वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होते। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर एक इंसान को कोविड होता है तो उसके इंटरनल ऑर्गेन्स डैमेज होते हैं, इनका जो लंग्स जो होते हैं और किडनी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वो कुछ हद तक चलना बंद हो जाते हैं। मतलब लंग्स 20% चलना फेल हो जाते हैं। ऊपर से हम दिल्ली में रहते हैं भाई, पॉल्यूशन तो पता ही है, और पूरे 2 महीने का रिकवरी टाइम लगता है। सेकेंड चीज़ जो होती है, होती है कोविड आपने देखा तोड़ना है। यार ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आप देखते नहीं वो होती नहीं है। थोड़ा सा मैं बोलूँगा, अपनी नज़रें थोड़ी ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाइए। जब अमिताभ बच्चन को कोविड हो सकता है और जो मेरा नेबर है जो कि दिन भर जिम में रहता है उसको कोविड हो सकता है, मेरे दूसरे पड़ोसी जो कि एक ओल्ड एज अंकल है अगर उनको कोविड हो सकता है तो यार मुझे कोविड क्यों नहीं हो सकता, आपको कोविड क्यों नहीं हो सकता? वो किसी को भी हो सकता है, वो कोई एज, कोई आपका जेंडर या फिर आप एक पर्टिकुलर कल्चर को होंगे या मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को होंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो किसी को भी हो सकता है। कोरोना वायरस के कुछ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं, जस्ट लाइक फीवर, कोल्ड कफ, टायर्डनेस। कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं, जस्ट लाइक इचिंग, पेन, हेडेक, लॉस्ट ऑफ टेस्ट। कुछ सीरियस सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, चेस्ट में पेन। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है, अगर आपको कॉमन सिम्टम्स हैं जस्ट लाइक फीवर एंड कफ एंड वगैरह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड ही हो, ये एक कॉमन या फिर वायरल फीवर या ये सब भी हो सकते हैं। बेस्ट वे ये है कि आप पहले अपने किसी भी फैमिली डॉक्टर को कंसीडर कीजिए, उन्हें बताइए ये सारी बातें, वो जो मेडिसिन दे रहे हैं आप उनको लीजिए कुछ टाइम तक, अगर आप ठीक नहीं होते विद इन 3 डेज सो उसके बाद में आप डेफिनेटली किसी भी अपने आसपास कोविड सेंटर में जा सकते हैं। अगर आपको कोविड नहीं है और आपको कोविड नहीं हो ऐसा आप चाहते हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, बट कौन बताएगा भाई, मैं बताऊँगा। तो खुद को हाइजीन रखो, किसी से हाथ मत मिलाओ, अपनी आँख, नाक, मुंह में हाथ मत डालो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, छींकते टाइम अपने नाक और मुँह को टिश्यू से या फिर अपनी कोनी से ढको, कुछ भी टच करने के बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज से साफ करो। हाथों पे लगाना है सैनिटाइज़र, खाना नहीं है। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो हैंड वॉश करो लिक्विड या फिर सोप से, बट वॉश ज़रूर करो। अगर आपको कहीं पे भी बाहर जाना है, ऑलवेज वेयर मास्क, ठीक है? मास्क से ऐसी हरकतें नहीं करनी है। अगर आपको मास्क टेस्ट करना है कि आपका मास्क अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप एक कैंडल ले सकते हो और अपना मास्क पहनकर उसको ब्लो कर सकते हो। अगर वो बुझती है इट मींस कि आपके मास्क की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट अगर वो कैंडल नहीं बुझती है इट मींस कि आपकी मास्क की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उसे आप कंसिडर कर सकते हो। जब भी घर से बाहर निकलो 2 चीज़ें कभी मत भूलना, पहला सैनिटाइज़र, दूसरा मास्क। और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फॉरवर्ड पे हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, उसको एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए।